देख रहे हैं ये इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, यूपी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी बैठे नजर आ रहे हैं। यूपी के विधानसभा में ई विधानसभा सिस्टम लागू किया गया है। इसी कार्यक्रम के बाद विधानसभा स्पीकर के कार्यक्रम में ओम बिरला के साथ सीएम योगी, अखिलेश, ब्रजेश पाठक एक साथ बैठक कर चाय नाश्ता कर रहे थे। उसी दौरान ये तस्वीर ली गई थी। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शुक्रवार को यूपी विधानसभा को पेपरलेस करने के लिए लागू नई तकनीक ई विधान का औपचारिक शुभारंभ किया है। सीएम योगी ने कहा कि हमने 2 साल पहले ही पेपरलेस बजट को प्रस्तुत कर लिया था। ई कैबिनेट और ई बजट के बाद अब पूरी विधानसभा की कार्रवाई को पेपरलेस कर रहे हैं। 23 मई से शुरू हो रहे सत्र में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज की हार्ड कॉपी मिल सकेगी, लेकिन आगे के सत्रों से सब कुछ पूरी तरह पेपरलेस होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब विधायकों को सदन में बहुत मोटा बैग लाने की जरूरत नहीं होगी। सीएम ने सपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को भी धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि हम जनता के हितों के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवाल आलोचनात्मक जरूर होते हैं, लेकिन ये सीधे 25 करोड़ जनता के हित के लिए भी होते हैं। विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्न आलोचनात्मक जरूर होते हैं, लेकिन बहुत बार उन आलोचनात्मक और अगर वह तथ्यपरक आलोचना है तो अब बहुत सारे कार्यों को भी सजगता के साथ और सुलभता के साथ आम जनमानस तक पहुंचाने में मदद करते हैं। और इस दिशा सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के अगर 25 करोड़ जनता के हितों के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हों तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः स्फूर्त भाव के साथ होता हुआ दिखाई देता है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि सदन की पहली तस्वीर देखी तो आईटी सेंटर का नजारा नजर आया। आगे कहा कि मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि मुझे और सीएम जी को अलग ट्रेनिंग कराइए। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि जहां आप पेपरलेस कर रहे हैं, वर्चुअल हमारी विधानसभा शुरू होने जा रही है, वहां हमारे जो पुराने सदस्य हैं उनकी हार्ड कॉपी तो रहेगी। और जहां तक ट्रेनिंग की बात है, क्योंकि अब सभी सदस्यों को एक साथ ट्रेनिंग मिलेगी, मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि मैं और मुख्यमंत्री जी की अलग कराइए ट्रेनिंग। क्योंकि पता नहीं हम लोग जानेंगे चीजें कि नहीं जानेंगे, इसलिए अगर ट्रेनिंग से पूरा होकर के आएंगे तो इस टेक्नोलॉजी को समझ सकेंगे। और मुझे खुशी है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम और विधानसभा को पेपरलेस करने के लिए लागू नई तकनीक ई विधान के औपचारिक शुभारंभ पर विधानसभा में सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। स्पीकर ओम बिरला ने उत्तर प्रदेश को देश की आध्यात्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना के केंद्र की संज्ञा देते हुए विधानसभा के गौरवशाली इतिहास को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा शायद देश की सबसे बड़ी विधानसभा होगी। ये प्रदेश वो प्रदेश है जहां के सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही है।